सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमर यादव है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसको, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ऑलरेडी हमने 5 to 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं। ओके, तो ये आई थिंक 6th पार्ट है। ओके, तो ऑलरेडी हमने थ्योरी का सभी पार्ट कंप्लीट किए। थ्योरी का सभी पार्ट आपने नहीं देखा तो प्रीवियस पार्ट्स आप देख सकते हो। ओके, तो इस पार्ट में सभी प्रॉब्लम्स हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो सभी प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे इस पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो उन्होंने दिया है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, डिटरमाइन ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो फर्स्ट हम गिवन टर्म्स लिखेंगे। गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या क्या दिए हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप दिए हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिए हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप दिए हैं। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ऑलरेडी आपने एक डेरिवेशन किया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज करेंगे। देखो इधर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप है। ओके, प्लस बी वेक्टर मतलब क्या है, बी वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस 5j कैप है, 5j कैप है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन है। ओके, क्रॉस है क्रॉस, सो क्रॉस रखेंगे, क्रॉस है तो क्रॉस रखेंगे। सो 2 3 6 होगा, 2 3 6, 2 × 3 6 होगा, i कैप क्रॉस i कैप होगा। ओके, प्लस है प्लस, 2 5 10 होगा, i कैप क्रॉस j कैप होगा। प्लस है प्लस, फिर से 3 3 9 होगा, 9 j कैप क्रॉस i कैप होगा, j कैप क्रॉस i कैप होगा। ओके, बाद में 3 5 15 15 j कैप क्रॉस j कैप होगा, j कैप क्रॉस j कैप। आई होप यू अंडरस्टूड। बट आपको मालूम है i कैप क्रॉस i कैप ऑलवेज क्या रहता है, जीरो रहता है। i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू j कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू क्या रहेगा, ऑलवेज 0 डिग्री, मतलब साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये सभी 0 होंगे। लेकिन आपको मालूम है i कैप क्रॉस j कैप ये होगा k कैप, लेकिन j कैप क्रॉस i कैप क्या होगा, j कैप क्रॉस i कैप होगा, -k कैप होगा, -k कैप। ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी हमने डेरिवेशन में किए हैं। ओके, तो इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड वो डेरिवेशन एक बार देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा। ओके, तो i कैप क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस j कैप और k कैप क्रॉस k कैप क्या होगा, 0 होगा, और i कैप क्रॉस j कैप ऑलवेज k कैप होगा, और j कैप ये रिवर्स, j कैप क्रॉस i कैप क्या होगा, -k कैप होगा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये तो टर्म i कैप क्रॉस i कैप 0 है, तो ये टर्म 0 होगा। प्लस है प्लस, 10 × i कैप क्रॉस j कैप, i कैप क्रॉस j कैप क्या है, k कैप है, तो 10 k कैप होगा। ये j कैप क्रॉस i कैप -k कैप है, तो ये माइनस इधर आएगा, -9 k कैप होगा, -9 k कैप, और ये टर्म क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज j कैप क्रॉस j कैप क्या है, j कैप क्रॉस j कैप 0 है। ओके, तो ये टर्म होगा 10 k कैप -9 k कैप, इट बिकम्स k कैप होगा। तो ये है इसका आंसर, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, k कैप होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, शो दैट वेक्टर्स वेक्टर्स तीन वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस
थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस टू के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिमिलरली ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, वो दोनों जीरो आ गए तो आप कह सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट गिवन टर्म्स लिखेंगे सभी गिवन टर्म्स, तो क्या होगा फर्स्ट गिवन टर्म्स ए वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ये है ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर दिया है उन्होंने, बी वेक्टर क्या है थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस टू के कैप दिए है। सिमिलरली सी वेक्टर दिया है उन्होंने, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है, सी वेक्टर सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप दिए। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट बी वेक्टर मतलब डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, तो ए वेक्टर मतलब ये टर्म है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप। ओके ये हो गया ए वेक्टर, डॉट मतलब डॉट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके बी वेक्टर मतलब ये है थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस टू के कैप। ओके तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टू इंटू थ्री सिक्स, ये आई कैप है और ये आई कैप है तो आई कैप डॉट आई कैप आएगा, प्लस है प्लस, ये टर्म इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड टर्म इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और थर्ड टर्म अगेन इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके सो ये हो गया आई आई कैप डॉट आई कैप, बाद में टू सिक्सा ट्वेल्व, इट इज माइनस ट्वेल्व आएगा बिकॉज माइनस है, माइनस ट्वेल्व आई कैप डॉट जे कैप होगा। ओके प्लस है प्लस, टू टू जा फोर, प्लस फोर आई कैप डॉट के कैप होगा, आई कैप डॉट के कैप होगा। ओके बाद में प्लस थ्री जे कैप डॉट थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, जे कैप डॉट आई कैप होगा, प्लस माइनस माइनस, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन जे कैप डॉट जे कैप होगा, जे कैप डॉट जे कैप होगा, बाद में प्लस है प्लस, थ्री टू जा सिक्स, जे कैप डॉट के कैप होगा, जे कैप डॉट के कैप होगा, बाद में प्लस थर्ड टर्म सिक्स थ्री जा एटीन, के कैप डॉट आई कैप होगा, प्लस माइनस माइनस, इधर रखेंगे हम प्लस माइनस माइनस, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, के कैप डॉट जे कैप होगा, फिर से प्लस प्लस प्लस, सिक्स टू जा ट्वेल्व होगा, के कैप डॉट के कैप होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहना चाहिए आई कैप डॉट आई कैप दैट इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप दैट इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, ऑलरेडी क्या रहता है वन रहता है। ओके तो ये ऑलवेज क्या रहता है वन रहता है। सिमिलरली आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप दैट इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप दैट इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या रहता है जीरो रहता है। ये तीनों टर्म जीरो होंगे और ये तीनों टर्म वन होगा। ओके तो ये डॉट के फॉर्म में हमने डिस्कस किया था, डेरिवेशन भी डिस्कस किया था, आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वो डेरिवेशन आप देख सकते हो। ओके तो ये कॉन्सेप्ट हम इधर यूटिलाइज करेंगे, तो आई कैप डॉट आई कैप मतलब ऑलवेज क्या होगा वन होगा, तो सिक्स इंटू वन वन होगा, तो सिक्स इंटू वन वन होगा, ये माइनस है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा बिकॉज आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप एंड आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप दोनों सेम ही है। ओके तो आई कैप फर्स्ट रखो वरना के कैप फर्स्ट रखो, दोनों सेम ही है। ओके किसमें
डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में वो दोनों अलग अलग है। ओके, तो ये आपको रिमेंबर करना है। तो ये दोनों टर्म जीरो होंगे, ये दोनों टर्म जीरो होंगे, ये भी टर्म जीरो होगा। तो बचेगा कौन सा, ये टर्म माइनस माइनस 18 इंटू जे कैप डॉट, जे कैप क्या है, 1 है, तो वो भी माइनस 18 बचेगा। ये फिर से जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, और ये बचेगा प्लस 12 बचेगा। तो 12 प्लस 6 कितना होगा, 18 होगा, माइनस ये 18 होगा, तो आंसर आएगा जीरो। तो आपको मिल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है और एक कॉन्सेप्ट, दैट इज द बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी आंसर जीरो आना चाहिए। देन वी कैन से दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करेंगे। बी वेक्टर क्या है देखो, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो ये तो बी वेक्टर है। डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर मतलब 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो, 3 6 18 आई कैप डॉट आई कैप होगा, प्लस है प्लस, 3 2 6 आई कैप डॉट जे कैप होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 आई कैप डॉट के कैप होगा। ये माइनस प्लस माइनस होगा, 6 6 36 आई कैप डॉट आई कैप होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 2 12 जे कैप डॉट जे कैप होगा, बाद में माइनस माइनस प्लस, 6 3 18 जे कैप डॉट के कैप होगा। ओके, बाद में ये लेना है, थर्ड लेना है, प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12 होगा, प्लस 12 के कैप डॉट आई कैप होगा, प्लस 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 होगा, 2 2 4 के कैप डॉट जे कैप होगा, के कैप डॉट जे कैप होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 के कैप डॉट के कैप होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो फिर से ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप ऑलवेज 1 होगा। सिमिलरली आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये ऑलवेज 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इधर लगाएंगे तो देखेंगे। ये तो आई कैप डॉट आई कैप 1 है, आपको मालूम है, तो 18 होगा। ये प्लस है, ये 0 टर्म होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 नहीं, आई कैप डॉट के कैप, ये 36 कौन सा आ गया, 36 माइनस प्लस, सो ये जे है, जे कैप डॉट जे कैप है। ओके, तो ये भी 0 होगा, ये होगा माइनस 12 होगा, माइनस 12, बिकॉज जे कैप डॉट जे कैप क्या है, 1 है। सिमिलरली ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये फिर से 1 होगा, तो माइनस 6 होगा। तो माइनस प्लस 18 माइनस 12 माइनस 6, सो माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। देयर फोर वी कैन से, देयर फोर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। पहले आपको पूछा है तो परपेंडिकुलर तो सॉल्व करना है, तो पहले आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, बाद में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करना है। उन दोनों इक्वल आए तो आप कह सकते हो वो क्या होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 आया है और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या है, 0 आया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन।
डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फी वन वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड वी टू इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सो थर्ड प्रॉब्लम, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वी वन इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड वी टू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, वी वन वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है। सिमिलरली वी टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, वी वेक्टर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मतलब वी वन वेक्टर क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस आएगा वी वन वेक्टर क्रॉस वी टू वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ये हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म यूटिलाइज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट का फॉर्म, आई वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, ये डेरिवेशन भी हमने किया था। ओके, सो ये होगा ax, ax होगा, ये ay होगा और ये az होगा। मतलब ये एक वेक्टर है, हमने वेक्टर को x कोऑर्डिनेट को लिखे ax, ay, y का मैग्नीट्यूड और az मतलब z का मैग्नीट्यूड लिखे हैं az। सिमिलरली इधर हम लिख सकते हैं bx, by, कौन सा भी आप लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो, बी वाई ए बी सी लिख सकते हो, कौन सा भी आप लिख सकते हो। ओके, लेकिन ये लिखना है एक्स वाई जेड। ओके, तो बी वाई एंड बी जेड, तो इसमें आप लिखेंगे आई कैप वैसे ही रखो, जे कैप वैसे ही रखो, के कैप वैसे ही रखो। ए एक्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फी वन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। y एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। az का मैग्नीट्यूड कितना है, -1 है तो -1 लिखेंगे। सिमिलरली bx, by, bz मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, इधर 1 है, by मतलब 2 है और bz मतलब -3 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं, मैथ्स में किए होंगे आपने। ओके, सो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक टेक्निक है और एक मेथड है, वो हम यूटिलाइज करेंगे। तो आई कैप वैसे ही रखेंगे, आई कैप वैसे ही रखेंगे, इसको और इस रो को और इस कॉलम को आपको लेफ्ट करना है। रिमेनिंग कौन सा बचेगा आपको, 3 3 जा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, -9 होगा। ओके, -9, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बाद में सेकेंड मल्टीप्लाई करने के वक्त आपको माइनस रखना है। ओके, तो माइनस रख के सेकेंड मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, -2 होगा, -2 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये हो गया आई कैप का। बाद में जे कैप फाइंड आउट करने के लिए, जे कैप ये रो आपको लेफ्ट करना है, बाद में ये कॉलम आपको लेफ्ट करना है और ये रो आपको लेफ्ट करना है। कौन से बचेंगे बाद में, 2 और -3 बचेंगे और 1 -1 बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, लेकिन ये जे कैप आपको रखना है माइनस जे कैप में, माइनस जे कैप, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इधर मिस्टेक करते हैं, प्लस जे कैप रखते हैं, नॉट प्लस जे कैप, इट इज माइनस जे कैप आपको रखना है। और इस कॉलम को और इस रो को आपको लेफ्ट करना है, तो क्या बचेगा, 2 3 जा, -6 बचेगा। माइनस रख के फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कौन सा, 1 और -1, 1 और -1। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, बाद में के कैप, के कैप को वैसे रखना है आपको, के कैप मतलब इस रो को आपको लेफ्ट करना है, इस कॉलम को लेफ्ट करना है और इस रो को आपको लेफ्ट करना है, तो क्या बचेगा, 2, ये बचेगा 2 2 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4, माइनस रखना है, 3 1 जा 3 होगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करने से आपको एक वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा। तो ये आई कैप वैसे रखो, ये -9 वैसे रखो, माइनस माइनस +2 होगा, ये माइनस जे कैप वैसे रखो, ये क्या बचेगा, -6, माइनस माइनस +1 होगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लस के कैप वैसे रखो,
तो ये 4 माइनस 3 वन होगा, तो वन मतलब इधर वन लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, वो वैसे ही जोड़ दो उसको। तो क्या बचेगा, -9 + 2, -9 + 2 कितना है, -7 है, तो -7 आई कैप होगा। ओके, और ये -6 + 1, -6 + 1 -5 होगा, -+5 होगा, 5 j कैप, बाद में ये +k कैप, ये है इसका आंसर, दैट इज द v1 वेक्टर। इसको हम लिखेंगे v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ये है इसका आंसर। तो प्रोडक्ट ऑफ v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर होगा -7i कैप + 5j कैप + k कैप। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट फोर्थ वन, गिवन उन्होंने दिया है, गिवन v1 वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप + 2j कैप एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप - 6j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उन्होंने बताया ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखेंगे गिवन टर्म्स। सो v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिए हैं, 5i कैप + 2j कैप दिए हैं। v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिए हैं, a i कैप - 6j कैप दिए हैं। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर क्या होंगे, जीरो होगा। v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर होगा जीरो, तो आपको रखना है v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कब जीरो होंगे, कब वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो हम रखेंगे इसको कॉन्सेप्ट, सो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो v1 वेक्टर हम रखेंगे, v1 वेक्टर क्या है, 5i कैप + 2j कैप, ये v1 वेक्टर होगा। डॉट तो डॉट, v2 वेक्टर मतलब a i कैप - 6j कैप होगा, j कैप होगा, इज इक्वल टू जीरो होंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × a, 5a होगा, i कैप डॉट i कैप होगा, i कैप डॉट i कैप होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 × 6 = 30 हो गए, i कैप डॉट j कैप होगा, बाद में प्लस है प्लस, 2 × a, 2a j कैप डॉट i कैप होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 × 2 = 12, j कैप डॉट j कैप होगा। ओके, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू जीरो है, वो वैसे ही रखेंगे। तो आपको मालूम है i कैप डॉट i कैप दैट इज इक्वल टू j कैप डॉट j कैप क्या रहता है, इज इक्वल टू वन रहता है। i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, ये क्या रहेगा, ऑलवेज वन रहेगा। सिमिलरली i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू k कैप डॉट i कैप, ये क्या रहेंगे, अलवेज जीरो रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको स्केलर प्रोडक्ट में डिस्कशन किए थे। तो i कैप डॉट i कैप क्या रहेगा, i कैप डॉट i कैप वन रहेगा, तो 5a होगा, 5a, माइनस है माइनस, ये i कैप डॉट j कैप, i कैप डॉट j कैप क्या होगा, जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, ये प्लस j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप भी जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो, और j कैप डॉट j कैप क्या है, वन है। ओके, तो -12 होगा, इज इक्वल टू जीरो। तो ये 12 इस साइड लेके आओ, तो 5a इज इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, a इज इक्वल टू 12/5 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था इसका आंसर, दैट इज a इज इक्वल टू 12/5 होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द फिफ्थ वन। सो फिफ्थ वन डिस्कस करेंगे, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सो फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x sin x है, x sin x है। तो इसको आपको डेरिवेटिव्स के रूल यूटिलाइज करने हैं। वो डेरिवेटिव्स के रूल कैसे है, क्या है, वो थोड़े थोड़े मैं कॉन्सेप्ट आपको इधर ही बताऊंगा। ओके, तो समझो ये x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है f1x,
इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, और एफ टू एक्स ये सेकेंड फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स है। देखो इसमें दो फंक्शन है, एक तो एक्स सेकेंड तो साइन एक्स, ये दो फंक्शन है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को एफ वन एक्स कंसिडर किया और सेकेंड फंक्शन को एफ टू एक्स कंसिडर किया। ओके तो इसका फॉर्मूला होगा डिफ्रेंसिएशन, आपको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट है उसको आपको डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। तो उसको उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो समझो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स है इंटू एफ टू एक्स है। देखो डिफ्रेंसिएशन किसका करना है आपको, दो फंक्शन प्रोडक्ट का, दो फंक्शन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो फॉर्मूला यूज करना है, एफ वन एक्स है फर्स्ट फंक्शन है, एफ टू एक्स है सेकेंड फंक्शन है, और दोनों क्या है प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन में। तो तब हम यूटिलाइज करेंगे ये फॉर्मूला, ये रूल डिफ्रेंसिएशन का रूल है। मैंने थ्योरी में ये नहीं बताया था क्योंकि इसमें आप सभी रूल कवर करेंगे, इस प्रॉब्लम्स में डिफ्रेंसिएशन के सभी रूल कवर करेंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट इधर ही बता रहा हूं आपको डिफ्रेंसिएशन के रूल। तो फर्स्ट रूल क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन में, तो आप फर्स्ट फंक्शन लिख सकते हो एफ वन एक्स, सेकेंड फंक्शन लिख सकते हो एफ टू एक्स। ओके तो फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे ही रखना है, एफ वन एक्स ऐसे ही रखना है इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। सेकेंड फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अंडरस्टैंड करो ये रूल, फर्स्ट फंक्शन आपको वैसे ही रखना है, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है, प्लस रखना है प्लस, सेकेंड फंक्शन वैसे ही रखना है एफ टू एक्स वैसे ही रखना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स फाइंड आउट करना है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। तो एफ वन एक्स वैसे ही रखो, एफ वन एक्स मतलब क्या होगा, एफ वन एक्स क्या है, एक्स है, वैसे ही रखो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आपको क्या करना है, एफ टू एक्स करना है। एफ टू एक्स क्या है, एफ टू एक्स तो साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस है प्लस, एफ टू एक्स वैसे ही रखो, एफ टू एक्स मतलब क्या है, साइन एक्स है सेकेंड फंक्शन, साइन एक्स, ये एफ टू इंडिकेट सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स का सेकेंड फंक्शन है ये, एक्स का सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स है, साइन एक्स वैसे ही रखो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन तो आपने कंसिडर किए एक्स, ओके एक्स वैसे रो, तो एक्स इनटू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला डिस्कशन किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स। ओके तो फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स है प्लस, साइन एक्स वैसे ही रखना है, साइन एक्स आपको वैसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑलवेज क्या रहता है, वन रहता है, ऑलवेज क्या रहता है, वन रहता है, तो ऑलवेज हम वन कंसिडर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज ऑलवेज वन। तो आंसर होगा आपका एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। ओके तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स का कॉन्सेप्ट, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ओके तो ये प्रॉब्लम था किसके लिए, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट मतलब इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने, दो फंक्शन ऐसे है वो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करने वाले हो आप। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखना है, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे ही रखना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ओके सो लाइक दिस यू शुड रिमेंबर दैट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं इरेज करने वाला हूं, देर इज नो स्पेस फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। तो आपको चाहिए तो आप लिख के ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ओके मैं अभी इरेज करने वाला हूं इसको, तो सेकेंड डिस्कस करेंगे हम सेकेंड प्रॉब्लम। सो सेकेंड प्रॉब्लम y इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स। तो ये भी देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट थे, दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन थे, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, लेकिन इधर दो फंक्शन ऐसे है, एक्स फोर एक फंक्शन है और कॉस एक्स और एक फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन के बीच में प्लस है, तो तब हम कौन सा रूल यूटिलाइज करेंगे। देखो इसको हम
फर्स्ट फंक्शन को हम लिखेंगे एफ वन एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स टू द पावर ऑफ 4 एंड एफ टू एक्स हम लिखेंगे कॉस एक्स। तो इसका रूल हम यूटिलाइज करेंगे, वो रूल था डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स ये और प्लस है प्लस, तो प्लस फर्स्ट फंक्शन एफ वन एक्स लिए हो, प्लस है प्लस सेकेंड फंक्शन एफ टू एक्स, इधर माइनस है तो माइनस भी यही रूल यूटिलाइज कर सकते हो, प्लस है तो प्लस रखना है आपको, माइनस है तो माइनस रखना है। ओके तो इसको फॉर्मूला होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स होगा। ओके प्लस है प्लस, प्लस है तो इधर प्लस रखना है, इधर माइनस है तो आपको माइनस रखना है, इधर प्लस है तो इसलिए हमने प्लस का लिए, माइनस रहता इधर तो इधर आप माइनस लेते थे। ओके तो बाद में डिफ्रेंशिएट करना है किसका, सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है एफ ऑफ एफ टू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स टू द पावर ऑफ 4 है, फर्स्ट फंक्शन एफ वन एक्स इज नथिंग बट एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस है प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है कॉस एक्स है। तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डी बाय डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन का फॉर्मूला आपको लगाना है, x टू द पावर ऑफ n, x टू द पावर ऑफ 4, n मतलब कॉन्स्टेंट। ओके तो n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होगा, दैट इज नथिंग बट n मतलब 4 होगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 होगा, प्लस है प्लस डी बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। सो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा। तो हम रखेंगे इसको 4 एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 3 होगा, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स होगा। तो ये होगा इसका आंसर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स। ओके तो इसका आंसर होगा 4 एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस साइन एक्स करके। ओके सो नेक्स्ट इसको भी हम इरेज करेंगे, आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले। ओके तो देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं अभी। सो थर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन। थर्ड का प्रॉब्लम है वाई इज इक्वल टू फंक्शन दिया है एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। इधर देखो प्रीवियस फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने दोनों मल्टीप्लाई करने किए, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किए, सेकेंड प्रॉब्लम में दो फंक्शन को एडिशन किए, थर्ड प्रॉब्लम में दो फंक्शन को डिवाइड करेंगे, दो फंक्शन को डिवाइड करेंगे। तो इधर एक रूल अलग लगेगा आपको, तो रूल क्या होगा, दो फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट एफ वन एक्स लेंगे, एफ वन एक्स क्या होगा इधर एफ वन एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स होगा, और एफ टू एक्स मतलब सेकेंड फंक्शन वो होगा साइन एक्स होगा। ओके तो एफ वन एक्स डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स होगा इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होगा वन डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स। तो फॉर्मूला थोड़ा ये है, बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स, एफ वन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है, माइनस रखना है एफ वन एक्स वैसे ही रखना है, एफ टू एक्स का स्क्वेयर करना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टू एक्स करना है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड, वन डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, वन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये फॉर्मूला है आपको रिमेंबर करना ही है। ओके कब दो फंक्शंस का डिवीजन है, दो फंक्शन का डिवीजन है तब हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं। तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे वन डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स क्या होगा, एफ टू एक्स मतलब कौन सा है देखो साइन एक्स है, वन अपॉन साइन एक्स होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है एक्स है तो एक्स रखेंगे, माइनस है माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखना है, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर करना है, देखो एफ टू का स्क्वायर है तो सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर
दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, साइन एक्स का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टू एक्स। एफ टू एक्स मतलब क्या है, सेकेंड फंक्शन है, सो सेकेंड फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स होगा, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स होगा। तो इसको हम लिखेंगे वन अपॉन साइन एक्स इंटू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑलवेज वन होगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या है, वन है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स होगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है क्या है, कॉस एक्स है। तो आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर वन डिवाइडेड बाय वन इंटू वन वन होगा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये हो गया इसका आंसर। तो आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है, इस तीनों प्रॉब्लम में हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूटिलाइज किया, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला, देन एडिशन ऑन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूटिलाइज किया, दो फंक्शन में एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है वो भी डिस्कशन किए, बाद में डिवीजन का फॉर्मूला भी हमने डिस्कशन किए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन क्या है देखो, यूजिंग द रूल फॉर डिफरेंशिएशन फॉर कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो ऑलरेडी मैंने डिफरेंशिएशन का फंक्शन लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ फॉर्मूला लिखा था एफ वन एक्स, इसको हम कंसिडर करेंगे साइन एक्स को कंसिडर करेंगे एफ वन एक्स, ओके साइन एक्स को कंसिडर करेंगे एफ वन एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन हम कंसिडर करेंगे साइन एक्स एंड सेकेंड फंक्शन को कंसिडर करेंगे एफ टू एक्स इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे कॉस एक्स। ओके, तो इसको आप लिखेंगे डिफरेंशिएट एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स। ओके, सो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन डिवीजन का डिवीजन, दो फंक्शन डिवीजन डिवाइड में है, डिवाइड में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है ये हमने डिस्कस किया था, वही फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, वन डिवाइडेड बाय एफ वन का एफ वन एक्स, वो फॉर्मूला एफ टू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ वन एक्स, माइनस है माइनस एफ वन एक्स आपको वैसे ही रखना है, डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स का स्क्वायर करना है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना है, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एफ टू एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये फॉर्मूला था, तो फर्स्ट फंक्शन रखेंगे हम वन डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स, एफ टू एक्स कौन सा है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स रखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स, एफ वन एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करेंगे, माइनस है माइनस एफ वन एक्स वैसे ही रखेंगे, दैट इज नथिंग बट साइन एक्स वैसे ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टू एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या रखेंगे, एफ टू एक्स सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स रखेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, तो ये वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स वैसे ही रखो इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। ओके, माइनस ये कॉस एक्स कैंसल होगा, ये माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये होगा वन होगा, इधर वन बचेगा, माइनस 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 प्लस होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टैन स्क्वायर एक्स होगा, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ऑलरेडी आपने स्टडी किया होगा मैथ्स में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या होगा, टैन एक्स होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टैन स्क्वायर एक्स। तो वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो ये भी फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है,
सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करना है इधर, तो आपको प्रूव हो गया, शो दैट करना था, आपको प्रूव करना था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या था, सेक्स स्क्वायर एक्स था। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेवेंथ वन। सो फर्स्ट वन लेंगे हम, सेवेंथ में से फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन क्या है, देखो फर्स्ट वन है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स डीएक्स, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप इसको इंटीग्रेशन साइन निकालना है। ओके और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है कॉस एक्स। सो कॉस एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। ओके तो ये होंगे जीरो मतलब ये लोअर लिमिट होगा और पाई बाय टू मतलब अपर लिमिट होगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था, डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था, कॉस एक्स होता था, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स होगा, सॉरी माइनस कॉस एक्स होगा, तो आपको रिमेंबर करना है इधर माइनस माइनस होगा, ये माइनस कॉस एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एक्स पाई बाय टू का वैल्यू अपर लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस रखना है, बाद में जीरो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके तो माइनस कॉस ऑफ एक्स मतलब पाई बाय टू रखना है आपको, माइनस रखना है, कॉस ऑफ जीरो रखना है, कॉस ऑफ जीरो इंस्टेड ऑफ एक्स पहले क्या रखना है आपको, अपर लिमिट दैट इज पाई बाय टू रखना है, माइनस रखना है, माइनस रख के इसका माइनस, इसका भी माइनस होगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें माइनस है, तो माइनस रखना है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉस पाई बाय टू क्या है, वन है, माइनस कॉस पाई बाय टू क्या है, कॉस पाई बाय टू मतलब कॉस नाइनटी, कॉस नाइनटी क्या है, जीरो है, तो जीरो रखेंगे हम, ये तो जीरो होगा, माइनस माइनस प्लस, कॉस जीरो क्या है, वन है, तो आंसर आएगा वन। ओके आई होप यू अंडरस्टूड, ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे, आई होप यू अंडरस्टूड, ये था आपका फर्स्ट आंसर। सो सेकेंड हम डिस्कशन करेंगे, सेकेंड कैसा है देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये, जीरो वन से फाइव तक एक्स डीएक्स करके, तो आपको इंटीग्रेशन साइन निकालना है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज ऑलवेज क्या रहता है, एक्स टू द पावर ऑफ वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ, एक फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा, एक्स टू द पावर ऑफ एन क्या था, एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन था। ओके तो ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, एन मतलब इधर वन होगा, एक्स टू द पावर ऑफ वन होगा। ओके तो वन मतलब एन मतलब वन आपको रखना है, तो एक्स टू द पावर ऑफ वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम वन टू फाइव। ओके तो क्या होगा इधर, एक्स टू द पावर ऑफ टू होगा डिवाइडेड बाय टू होगा। ओके तो इसमें वन अपॉन टू कॉमन निकालो, वो बाहर ले लो, ब्रैकेट से वन अपॉन टू बाहर ले लो, तो बिकॉज कॉन्स्टेंट है ये, वन अपॉन टू वो बाहर ले लो, वन से फाइव तक, सॉरी ये फाइव तक है, ये फाइव तक, तो पहले आपको क्या रखना है, फाइव रखना है, एक्स में पहले फाइव रखना है, बाद में माइनस रख के वन रखना है। ओके तो वन अपॉन टू अपर लिमिट फाइव है, फाइव का स्क्वायर माइनस रखना है, वन का स्क्वायर रखना है। ओके तो कितना होगा, फाइव का स्क्वायर 125 होगा, वन अपॉन टू इन टू फाइव का स्क्वायर 25 होगा, माइनस वन होगा, तो 25 माइनस वन फोर होगा, कितना होगा इधर मैं लिखता हूं, वन अपॉन टू इन टू 25 माइनस वन 24 होगा, तो टू अंजा टू टू ट्वेल्व जा, तो आंसर आएगा 12। आई होप यू अंडरस्टूड, ये थे सेवन प्रॉब्लम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, आपको एग्जाम में हेल्प होंगे, तो आपको अच्छे तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ये प्रॉब्लम्स। और मैथमेटिकल मेथड्स एक ऐसा बेसिक चैप्टर था, वो आपको अच्छे तरह से करना है, क्योंकि आपको वही चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर हेल्प करेंगे रिमेनिंग चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर अच्छे तरह से करने हैं। थैंक यू।